नेक्स्ट एक लाइक एक पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐश वांट्स टू शेयर कि ऐश वांट्स टू शेयर द मनी विद फाउंडर्स. उसका मतलब क्या है कि जो भी सेल्स होगी उसमें से जो मिनिमम जो है वो डेफिनेटली वो रखेंगे इसके लिए, यानी सब सेटअप कर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो शेयर करना चाहते हैं. और क्यों शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन से उनका इंटेंशन है. और यही मेन डिफरेंस है बाकी कंपनीज और ऑन पैसिव में. बाकी इसमें कि मैं मेरे जेबे कैसे भरू ऐसा है, और यहाँ पे ऐसे है कि चलो बेसिक मैं कवर करता हूँ मनी, और बाकी मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ये कंपनी और बाकी के कंपनीज में बड़ा डिफरेंस है. नेक्स्ट के ओके नेक्स्ट है कि गुस्पिंदर जी ने सवाल किया था कि आप बोलना चाहते हैं या मैं बोलूं. आपने जो सवाल किया नहीं, आप बोलो नीरज, नो प्रॉब्लम। था ओके तो गुस्पिंदर जी ने पूछा था कि फाउंडर पोजीशन अभी 22 तारीख को एंड होगी, तो उसके बाद में फाउंडर का रोल क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है. तो एस ने उस पे आंसर दिया था. कि उसके बाद हम यानी फन रहेगा, यानी वी आर गोइंग टू हैव फन, यानी फन रहेगा, एंजॉय करो और ब्लेसिंग ले लो, और सब्सट्रैक्शन विथ मोर मटेरियल्स ऑफ द कंपनी एंड एंजॉय. यानी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि 22 तारीख के बाद आपका रोल रहेगा, पहले तो एंजॉय करो क्योंकि डेफिनेटली प्रोडक्ट सेल होंगे. लेकिन जैसे गुस्मिंदर ने बोला कि डायरेक्टली 23 तारीख को मत एक्सपेक्ट करो, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चालू हो जाएगा. नेक्स्ट है कि ब्लेसिंग्स रहेंगे सबको, यानी आप ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. सब्ट्रैक्शन यानी जो बराबर काम नहीं कर रहे उनके बारे में आई थिंक वो बताना चाहते थे. और अभी हमारे पास सिर्फ ओ फाउंडर्स है शेयर करने के लिए, लेकिन जब भी ऑन पैसिव आएगा ओ फाउंडर्स तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ मटेरियल रहेगा शेयर करने के लिए. तो ये हमारा रोल रहेगा आगे जाके. तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहम्मद, ये येमेन का एक इंसिडेंट हुआ था. येमेन का इंसिडेंट यानी अरेबिक वेबिनार में, अगर आपने अपडेट नहीं सुना है तो अरेबिक वेबिनार में ये एक लेडी फाउंडर थी, उन्होंने एसर को बोला या मोहम्मद कमाल को बोला कि वो बहुत से येमेन के फाउंडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है. तो एज सर और मोहम्मद कमाल ने बात किया और फाइनली उन्होंने लाइक 1,000+ फाउंडर्स का पैसा उन्होंने भरा था. तो उसके बाद हुआ क्या कि ये इंसिडेंट होने के बाद अरेबिक आई थिंक अरेबिक कंट्रीज के बहुत से फाउंडर्स या प्रोस्पेक्टिव फाउंडर्स ने बोला कि सर हमारे को हमारा भी प्रॉब्लम है, और मेडिकल बिल्स और वो सब दिया उनको. और वो बोले कि हमारा हमारे भी हम हमको भी जरूर